हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 8 का गणित का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का गणित मैथ का पेपर है। इसका पूर्णांक है 100 नंबर। टाइम है इसका 2 घंटा 30 मिनट। पेपर का सेट है V91 यूपी के मुरादाबाद ज़िले के MBA हायर सेकेंडरी स्कूल का ये पेपर है, जो कि आज हुआ है 8 फरवरी को। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, निम्न खंडों के सही विकल्प छाँट कर लिखो, और यह है आपका पहले का कह। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, सबसे पहले लेनी है आपको एक 7 अंकों की संख्या, जैसे कि ये देखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 अंकों की संख्या हो गई। इसके वर्गमूल, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 0 काट देंगे, कितना बचेगा 1000। इसका जो वर्गमूल है, इस वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 2 3 4 चार अंक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आपको कोई 7 अंकों की संख्या लेनी है, जैसा कि मैंने माना था 1 6 0। उसके बाद में उसका वर्गमूल निकालना है, तो उसमें 4 अंक बचेंगे, तो 4 ही इसका राइट आंसर है। दूसरा है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो 5 आपको अभाज्य संख्या ले लेनी है सिंपली, जैसे कि लेते हैं 2 3 5 7 11। ठीक है, और इसकी माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले निकालना है आपको n का मान। n होता है संख्याएं, मतलब कितनी आपके पास संख्याएं हैं। तो हमारे पास 5 संख्याएं हैं, n का मान हो जाएगा 5। उसके बाद में माध्यिका का एक सूत्र आता है, विषम माध्यिका का। जब n का मान विषम हो, तो माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1 अपॉन 2 व पद। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 व पद। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, तो n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 अपॉन 2 व पद। ठीक है, 5 और 1 6 6 अपॉन 2 मतलब 3। ठीक है, तीसरा पद आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपका आंसर बैठेगा, जैसा कि हमने लिस्ट लिखी थी अपनी 2 3 5 7 11, ये लिस्ट लिखी थी हमने 5 अंकों की। तो इसमें तीसरा पद मतलब 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गया आपका, बिंदु -6.5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, किस चतुर्भुज के तीनों कोण 75, 95 और 110 हैं। तो चौथा कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, वो 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 360 में से आपको ये तीनों को जोड़ के घटा देना है। तो घटाइएगा सिंपली, 360 माइनस के 95, 75 हो जाएगा, ये 170, और 110 ये है, 280 हो जाएगा। ठीक है, जब 280 आप घटाएंगे इसमें से, तो 60 20 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा दूसरे का क्या है, -2/3 × 3/4 इसके बराबर क्या होगा। तो -2/3 × 3/4 ये है, 3 से 3 कट गया 2 से 2 बार 2 × 4 -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1/2। उसके बाद है आपका गया x-y=4। तो x बराबर जो है y को आप इधर राइट हैंड पे भेज देंगे 4 की तरफ को, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y, तो प्लस में आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 + y। आगे देखिएगा घ, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग होता है। तो वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या को भाग करें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो वो हो जाएगा 262। 262 से भाग करो आप 2096 को, जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक वो संख्या होती है जो बहुत बार आई हो, मतलब सर्वाधिक बार आई हो। तो यहाँ पर आई थिंक सर्वाधिक बार आया है 38। ठीक है, एक सिक्का को 1000 बार उछाला गया, वह चित्त 455 बार आया, और पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई सिक्का जब 1000 बार उछाला जाता है, तो 455 बार चित्त आया है। ठीक है, तो पट कितनी बार आएगा, पट आएगा वो 545 बार। ठीक है,
545 बार पटाया, 455 बार चिताया। तो जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज बैठेगी पट आंधे की, कितनी बार पटाया है 545 बार, कितने में से 1000 में से। और जब परसेंटेज निकालेंगे हम तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दो जीरो से ये दो जीरो गए और इस जीरो से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 54.5%। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड पेज, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका घे देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको फैक्टर करने हैं इसके। सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्स कॉमन लेना है आपको, ठीक है। इस टाइप से ये बचेगा आपका 2x² प्लस 10x माइनस के 28, ठीक है। अब जो आपका शुरू में संख्या है दो है, उसकी आपको लास्ट में गुणा करनी है, ठीक है। 28 × 56, 56 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे 10 आए और गुणा करने पे 56 आए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आई थिंक 14 × 28, 14 × 56, ठीक है। तो 14 और 4 से आपको फैक्टर कर लेने हैं इसके, तो ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपको समतुल्य बट्टा बताना है इसका, और कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिएगा, 6 का कहें 200 रुपये का 3% की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के अंतरों का ग्राफ खींचिए, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं, ग्राफ भी बना लीजिएगा। तो गाइज बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।